गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। हम सभी बहुत बढ़िया हैं। और आज है संडे का दिन, और संडे के दिन में अभी मैंने बॉईल करने रखी हुई है राजमा, तो मैं बनाने वाली हूँ आज राजमा और चावल, ठीक है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि थर्सडे को करवा चौथ है, तो कुछ शॉपिंग वगैरह तो सभी कर रहे हैं ना, ऊपर से विंटर भी आ रहा है, तो विंटर की भी शॉपिंग कुछ ना कुछ करनी होगी। तो वैसे स्वेटर वगैरह तो नहीं, हाँ बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हाफ स्लीव पहनते हैं ना बच्चे, तो जिस तरह से बारिश हो रही है ना 3-4 दिन से, हर जगह ही हो रही है ना। मैं ब्लॉग वगैरह भी देखती हूँ, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में भी यहाँ पर 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो मौसम ना काफ़ी चेंज हो गया है। तो सोच रहे हम कि ना जो बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है ना, वो हाफ स्लीव की है ना, एक एक तो वो लेके आ जाएंगे, जो विंटर वाली यूनिफॉर्म होती है। हाँ ब्लेजर और स्वेटर तो अभी नहीं देखेंगे, अभी फुल स्लीव का लेके आ जाएंगे। बस यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ, ये रहे चावल। इतना अचानक से फटाफट चेंज हो गया ना, अभी तक तो दिल्ली में तो बारिश ही नहीं हो रही थी। पूरा जुलाई का जो महीना है ना, वो इतना गंदा गया ना, इतनी गर्मी वाला गया, यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हुई है, और अब जाके बारिश हो रही है। एक बार सितंबर में हुई थी, अभी 2-4 दिन कंटिन्यू, और अब ये अक्टूबर में हो रही है ना, पता नहीं भगवान जी क्या कर रहे हैं। ये है कि मौसम फटाफट से चेंज होने लग गया। हमने तो कुछ विंटर के ना कपड़े भी निकाल दिए हैं अभी बच्चों के खाली, तो अभी उन्हें को वॉश भी करना है साथ। तो ये वाली जो वॉशिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है धोने के लिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कपड़े निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते, मैं ना फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ, फिर निकलेंगे हम मार्केट के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में जी। वहाँ पे होते हैं हमारे विंटर्स के कपड़े, विंटर और समर के कपड़े, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है ना, उसी हिसाब से हम वहाँ पे कपड़े रख देते हैं। और अभी फ़िलहाल ना ये निकाले हुए हैं कपड़े, देखो इतने सारे। तो मैं तो ना इनसे मना करी थी, मैं कह रही थी अभी मत निकालो यार, क्योंकि देखो त्यौहार का दिन है, ये सब ऐसे पड़ा रहेगा तो कितना गंदा लगेगा। अभी मेरे से बोलते हैं अच्छा बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, उन्हें ठंड लग जाएगी, तो तुम ये चीज़ देखोगी या ये चीज़ देखोगी। तो मुझे लगा हाँ यार मैं इसमें क्या बहस करूँ, बात तो ठीक बोल रहे हैं यार, बच्चों की तबीयत सबसे पहले, तो वो मैं भी मानती हूँ। लेकिन थोड़ा सा होता है ना, त्यौहारों के टाइम पर लोग अपने घर साफ़ सुथरे कर रहे हैं, और मैंने ये इतना सारा निकाल के, क्योंकि ना जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो ये कपड़े जो है ना एडजस्ट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो देखो हार्ट कैसे उल्टा, मतलब टेढ़ा लटका हुआ है, ये ना मीहू के काम है। अच्छा वाला हार्ट लटका हुआ था, उसको उसने टेढ़ा कर दिया। तड़का लगाना है इसमें, बस लंच तो बन गया है, और बज गया है अभी 1:30। तो अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, और मौसम भी ठीक हो रहा है, बारिश हो रही है। खाना वाना तो अभी हमने खाया नहीं है, क्योंकि भूख इतनी लग रही नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही, शायद इनको भी नहीं लग रही है। क्योंकि बोल रहे नहीं है, मैंने बोला खाना खाना है तो चलो खा लो, फिर तो कहते हैं नहीं, फिर आके खाएंगे। तो देखते हैं फिर क्या क्या लेके आते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और आज जैसे कि संडे तो हो गया, और थर्सडे को है ना करवा चौथ, तो साड़ी का सीन तो मुझे कुछ नज़र आ रहा नहीं है कि साड़ी लेने से फ़ायदा है नहीं, मतलब साड़ी लेने से फ़ायदा है, लेकिन वो वाली साड़ी पहन पाऊँगी या नहीं पहन पाऊँगी, ये वाला नहीं कन्फर्म हो पा रहा, क्योंकि इतनी जल्दी ब्लाउज ही नहीं बन पाएगा, है ना। तो साड़ी तो मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए, अच्छा मौका है ना। वैसे ना हर बार मेरा होता नहीं है कि मैं हर करवा चौथ पे नई साड़ी लूँ, क्योंकि ना साड़ियाँ रखी रहती हैं, हम लोग पहनते ही नहीं हैं, हम लोग यही कुर्तियाँ वगैरह सूट वगैरह ही ज़्यादा डालते हैं ना, तो साड़ियाँ ना ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं। फिर क्या होता है, जैसे कोई शादी वगैरह होती है ना, मैं कोई साड़ी बनवाती हूँ या ऐसी कोई साड़ी बनाती हूँ, तो एक आध बार जो पहनी होती है ना, वही पहन लेती हूँ मैं तो भाई, मैं तो यही करती हूँ। कई लोग होते हैं ना नई नई साड़ियाँ लेते हैं हर करवा चौथ पे, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ ना, तो हमारे यहाँ पे ना वो पिछौड़ा डालते हैं ना, तो वो डालना हमारे यहाँ मेन होता है ज़्यादा, है ना, पिछौड़ा हो गया, नथ वगैरह हो गया, तो वो पूरा ट्रेडिशनल लुक हो जाता है, एक सुहागन वाला लुक हो जाता है, फिर साड़ी कोई से भी पहन लो, ये है ना। तो कई लोग तो पहनते हैं वैसे नए कपड़े, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना रखा कि मुझे नया ही पहनना है। तो बोल रही थी मुझसे कि नई साड़ी दिलवानी है तो दिला देता हूँ, मैंने कहा दिला दो, लेकिन पहनने का सीन तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि संडे अभी हम शाम को आएंगे वापस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन में ना ब्लाउज़ कोई बना के नहीं देगा। आता तो है मुझे बनाना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता यार, घर में बच्चे हो गए, स्कूल का हो गया इनका, पढ़ाई लिखाई, और ऊपर से जब से YT ज्वाइन किया है तब से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। ले लूँगी साड़ी, देखूँगी फिर कौन सा पहनूँगी, है ना। तो करवा चौथ पे वो तो ब्लॉग बनेगा तो पता ही चल जाएगा क्या पहना। तो जी हो गया इवनिंग का टाइम, और अब आए हैं हम, और ना सही में इतनी भीड़ है मार्केट में, इतनी भीड़ है, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, ऊपर से ट्रैफिक जाम भी, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। पता है हम कितने 1:30 बजे गए थे शायद, और अभी बज रहे हैं 6:15, 1:30 बजे से 6:15 आए हैं, और ना अपनी मर्जी के हमें कुछ मिला भी नहीं सामान, और आते ही बच्चों ने ये सामान ये फैला दिया, इस तरह से फैला दिया इन्होंने, और बोलते हैं कि मम्मा एक और चीज़ है दिखाने के लिए। और क्या है पता है, सुबह मैंने दिखाया था ना कि विंटर्स के कपड़े निकाले थे, आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या किया है हमारी एब्सेंस में। क्या किया है भाई, ये कपड़े लेने थे अपने, क्या कर ढूंढ रहा हूँ, जैकेट तेरे लिए होगी तो अपना, यार मम्मी क्या होगी,
इन्होंने अपना सामान उसमें से निकाल निकाल के ना, ये देखो ढूंढ रहे हैं क्या अपने कपड़े, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने क्या बना दिया। नहीं पापा की है वो, पापा के सामान है उसमें, पापा का सामान है उसमें नहीं है। देखो अंदर जाके क्या किया है, बिल्कुल छोड़ दे। कौन सी कट्स मिल गई वापस सूट सोचा था हमने लेने की कि सूट लेंगे, और सूट भी इतने गंदे आ रहे हैं, इतने गंदे आ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं। वो जो साड़ियां नहीं होती हैं जो हम नॉर्मली पहनते भी नहीं है घर में, वो तीन तीन चार चार सौ की जो साड़ियां आती है ना, उनको काट के सूट बना रखा है यार, पता नहीं कैसे। और हर दुकान में जाओगे ना वही सूट वही सूट वही सूट ऐसे ही मिल रहे हैं। तो बस यही है, मार्केट में घूम घूम के ना दिमाग खराब हो गया ढूंढ ढूंढ के। बच्चे ना बम फोड़ने लग गए हैं कि दिवाली आने वाली है ना। लेके तो आई हूँ सूट, लेकिन मैं भी दिखाऊंगी नहीं आपको, करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी ना तभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो फिर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने तो लंच भी नहीं किया क्योंकि बाहर का मुझे कुछ खाना नहीं था। हनी के पापा ने तो खा लिया था, इन्होंने तो बाहर खा लिया, ब्रेड पकौड़े खा लिए इन्होंने तो भाई खाना ही था, लंच टाइम तो हो ही रहा था, तो मुझे तो बाहर कुछ खाना नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। और अभी मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा ढीले हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 10:15 के आसपास नाश्ता किया था, तब से मैंने खाया ही नहीं है कुछ भी, और अभी बज रहे हैं 6:15-6:30, और बाहर का मैं खा नहीं सकती हूँ तो पेट के बुरे हाल हो रहे हैं। तो राजमा चावल बनाया था मैंने, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ राजमा गरम। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे खाने के लिए, और ना अब आप बोलेंगे खाना बना के चली गई थी, बच्चे को खाना कैसे हुआ, है ना। तो जी आज है संडे, कल था सैटरडे, तो कल ना सैटरडे में मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, वो लोग आ गए थे, तो खाना बना के मैं ना नीचे दे के आ गई थी, जैसे नीचे सासू माँ रहती है ना, तो वो सब नीचे ही थे, तो खाना मैंने नीचे ही दे दिया था, तो उन लोगों ने भी खा लिया और मेरे बच्चों ने भी खा लिया। और देखो मेरा लंच कब हो रहा है, आज 6:30 लंच हो रहा है मेरा मैं रात का खाना कैसे खाऊंगी फिर, और कितना खाऊंगी। तो चलो फिर ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं अपना फ़ोन नहीं देख पाई हूँ सुबह से, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, तो बस सब्सक्राइबर कम हो गए हैं मेरे चलो कोई बात नहीं, जैसे जिसकी श्रद्धा हो, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, बाय।